पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम, श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सदीन। सतगुरु साहेब संत सब है डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए नर आकार निर्विषम। काल जाल वंदनम निर्लेपम निज नीर गुणम। अकल अनु बेसुन धुनम सोहम सुरति समापतम। सकल समाना नीरतल है उज्ज्वल हिरंबर हरदम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद्य अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष से सुमुख गावे। पूजय आज गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। तेतीस कोटि अदारा ब्याव से अठासी उतरे बहुजल पारा। कट है यम की फांसी तेतीस कोटि अदारा उतरे बहुजल पारा। कट है यम की फांसी सत साही। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपोत हूँ वर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखे वंजना मेरी करो सवार।
गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वरंस मुनि नारदा, तिनके हृदय न सम। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे काग जहाज का, अब सोजत और न ठोरी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हर सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होए पार। गुरु गो कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाव। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी ही, गुरु आग आदीन। गुरु बिन काहुन पावा ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझेन सार रहे अज्ञानी। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करते हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर किनी हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में, पहुंच गए सुखदेव। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल। ते बदना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूल। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। भाई रावण सरीखे कौन गिने, अशोक अनंत।
कबीर सब जग निर्धना धनवंता न कोए, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। कबीर वो दिन याद करो ऊपर पग नीच शीश, इस मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। उधर बीच तो कूदिया खान पान परवान, तिस समर्थ की बंदगी तू भूल गया शैतान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम इस भूमंडल पर होते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब उस परमात्मा, हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इसे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु परमात्मा, इसे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात लंदा, उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है। हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है, जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया, और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं,
ये समाप्त हुआ। उसके बाद आठवें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आत्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? आठवें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहेब के विषय बताया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तीन परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता साहेब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, परब्रह्म अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना कहना पड़ा कि जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लेज गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और 700 स्थान अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मंड हैं क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो सात संख ब्रह्मंड है, नील पद्म संख सात संख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मंड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके ऊपर जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मंड क्षर पुरुष के और सात संख ब्रह्मंड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं उन सब के ऊपर, और इनके असंख्य ब्रह्मंडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीताजी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव है ब्रह्म, वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा साथ की साथ, अब आंखों से भी पढ़िए, ये है श्रीमद् भगवत गीता
और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कुछ कहते हैं कुछ कुछ कहते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्री रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, जो दास आपको एक क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है, अब आप काफी दिन से सुनते भी आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार ये 32वां मंत्र है, श्लोक है, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में, इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, ओम तत् सत, ऐसा यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है जिससे अनुवाद सही बन जाएगा।
ये देखिएगा, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मण यहां देखो, एवं बहुविधा यगा विहिता च ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं जो ऊपर मैंने वर्णन की है ये भी, इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं, यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है, और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया, वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका ये अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारी तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राणपान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती हैं, आपको करनी पड़ेंगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है, इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मणे का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था उस मुख्य वाणी में। ये देखिए, मुख्य माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो, हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, दर्व ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि दर्व यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से, कहते ऐसे दान करने की अपेक्षा तू ज्ञान को समझ, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान को समझ, उस ज्ञान दर्व यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ। अब ये तत्व ज्ञान रूपी जो सत्संग आपको सुना जा रहा है ये ज्ञान यज्ञ है, और दर्व यज्ञ जैसे श्रद्धालु लोग जहां जाते हैं किसी मंदिर में 1,00,000 रुपये दान कर दिया,
उसको पुजारी दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होती है। कहीं पर भंडारा कोई के नाम पर आता है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो दारू पीवे, मुर्गे खावे, या कि तक गाड़ी लेगा घूमे कर आकित की कोबित कराए। तो ऐसे कहते हैं इस दर्व यज्ञ को आंख मीच कर तो तुम दान करते हो, अंधविश्वास युक्त होकर ऐसा मत करो। इस दर्व युग की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं ज्ञान यज्ञ जब तुम्हें हो जाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके अन्य कर्म जो तुम अज्ञानतावश करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करते हो, वो फिर समाप्त हो जाएंगे। अब उस तत्व ज्ञान को जो गीता जी के 10 नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उसने अपने मुखारविंद से बोला है, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को समझने के लिए 4:34 में क्या लिखा है कि उस ज्ञान को समझ, यानी जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के जो तत्व ज्ञान दिया है उस ज्ञान को समझ। अब देखो गीता 10 नंबर 4 के श्लोक 34 को समझिए, ये 4 है, ये श्लोक 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास कर जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? जो 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण पर उस पर इस प्रकार उस बहुत से भक्ति की विधि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित उस वाणी में अर्थात अमृत वाणी में विद्यमान है, उनको उनको समझ। तो उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। गीता से, गीता जी से अलग कोई ज्ञान है? उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी जानने वाले, भली भांति जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर लिखा है 35 में भी स्पष्ट कर दिया है, ये देखो 35 में, जिसको जानकर उस ज्ञान को जानकर तू फिर संसार इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के निशेष भाव से अपने में और पीछे मुझ में देखेगा, ये केवल मुझ है, मुझ में देखेगा न कि सच्चिदानंद, ये अपने ये अनुवादकर्ता ने अपनी ओर से लगा दिया इसके साथ, गीता ज्ञानदाता के साथ। ये क्या कहता है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा फिर तू मुझे समझ पाएगा, मैं क्या हूं, मैं काल हूं। गीता जी के 10 नंबर 11 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। तो ये कहा कि तू फिर तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत तू मुझे जानेगा मैं क्या हूं, और फिर इन प्राणियों को देखेगा इनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्यों ये ऐसे दुखी हैं, तो फिर इनको समझेगा और फिर तेरा कल्याण संभव है। तो पुण्यात्माओं, हमने जो लोक वेद सुना है अभी तक, जो पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं वो अपने सदग्रंथों के भी विपरीत है। पवित्र गीता जी से भी वो गीता के अनुवादकर्ता व गीता के आधार से ज्ञान प्रचारकर्ता भी परिचित नहीं थे, और उन्होंने हमारे को केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके व्यवस्थित किया हुआ था, हमारे को सेट कर रखा था। अब उस तत्व ज्ञान को आपके समक्ष खोला जा रहा है, इसलिए इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत आप कभी विचलित नहीं हो पाओगे। आपकी कई पीढ़ी तक का ये मार्ग ऐसा बन जाएगा कि वो बच्चे परमात्मा को प्राप्त करेंगे,
वो बहुत ही पुनकर्मी प्राणी परमात्मा आपके घरों में भेजेगा। ये उनके संस्कार टाल देगा। जो बच्चे आपके भाग्य में दुखदाई थे, कुछ बच्चे होते हैं जैसे उत्पन्न हो गया बालक और वो बच्चा बड़ा होकर के डाकू बन गया, माता पिता भी दुखी, क्योंकि माता पिता का कितना ही बुरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, माता पिता उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। वो लड़का भी दुखी होता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब वो परमात्मा क्या करेगा? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, प्रभु के नियम से आप परिचित हो जाइए, तभी ये शंका और आपकी समस्या मिटेगी। अब क्या होता है कि एक भक्त के यहां पुत्र हुआ, वो पुत्र एक वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और 20-30 हजार रुपए उसके उपचार में भी लग गए। वो परिवार पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, भगवान पर विश्वास था, कबीर परमेश्वर पर, वो डगमग नहीं हुए। उनके दिल में यह नहीं आया कि हमने उपदेश ले रखा और हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ और यही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इस ज्ञान को कई बार सुन चुके थे, जो दास बार बार सुनाता है। उनको क्या हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई, 10 महीने के उस लड़के की मृत्यु के 10 महीने के उपरांत फिर पुत्र हुआ। अब बेशक से वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी और माता को ज्ञान भी था, पिता को भी ज्ञान था, लेकिन उसका मोह जल्दी से नहीं छूटता। मां बहुत रोया करती थी, उसको याद भी करती थी, लेकिन विश्वास परमात्मा पर यह था कि भगवान जो करता है वो गलत नहीं करता। हमारे प्रभु ने जब यह मंजूर था तो यह हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं बेटे के मोह को भुला सकूं। तो उस लड़की को एक दिन वो बालक स्वप्न में दिखाई दिया, छोटा सा। देखते ही देखते वो 16-17 साल का हो गया, 18-19 वर्ष की उम्र का दिखाई दिया और अपना बैग उठा करके चलने लगा। माता, मैंने इस उम्र में मरना था और मेरी शादी भी हो जानी थी, ये परमात्मा ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेहर की है। मेरा और आपका ऐसा संस्कार था कोई पिछले जन्म जन्मांतर का कि मैंने तुम्हें एक अधिक पीड़ा देनी थी और उस परमात्मा ने यह हमारा संस्कार काट दिया थोड़े से में। उसके बाद उस मां का रोना भी बंद हो गया। उसने खुद आकर के उस बहन ने बताया, जी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे दिखाई दिया, पर ज्ञान तो हम पहले भी सुनते थे, विश्वास भी था, लेकिन और दृढ़ विश्वास हो गया और जो ममता मुझे सता रही थी वह भी खत्म होगी। तो परमात्मा, आपको ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दर्श परस तीन भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उसे विचलित हो जाती और रास्ता छोड़ देती, वो रोग तो काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे, अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं, तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुर अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए, उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। होय होय। तो इसलिए परमात्मा के चरणों माने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं,
जो पाप भी बनते हैं तो हम सिमरन सेवा आरती सत सुबह से हम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम योगों योगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं, अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्व ज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे ताकि यह धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे, चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों माने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। उसके लिए हमें इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे हम सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सर्वशक्तिमान श्री विष्णु जी श्री शिव जी, और फिर बहुत से उदाहरण भी सुना करते थे कि जैसे एक राक्षस था जो ना श्री विष्णु जी से मर रहा था, एक मधु और कैटब नाम के दो राक्षस थे, भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध किया, श्री मद देवी भागवत महापुराण 3rd स्कंद में वर्णन है। और वो 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो राक्षस नहीं मरे, फिर देवी दुर्गा ने अपने कटाक्ष से अर्थात अपने एक मोहित करने वाले अदा से अंदाज से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, वो दुर्दृष्टि से उस माता को बहन को देखने लगे, जब श्री विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। एक राक्षस था वो किसी से नहीं मर रहा था, भगवान विष्णु से कहा गया कि वो देवताओं से नहीं मर रहा था, वो पता चला किसी ने बताया कि उसकी पत्नी धर्म पतिव्रता स्त्री है, इसलिए ये किसी से नहीं मर रहा है राक्षस, इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया जाए तब ये राक्षस मरेगा, विष्णु पुराण में लिखा है। तो कहते हैं फिर वो भगवान विष्णु जी को ये कार्य सौंपा गया, भगवान विष्णु ने उस राक्षस का रूप बना करके उस स्त्री के उसकी पत्नी के साथ मिलन किया, उसके बाद वो राक्षस मरा, उसका पतिव्रता धर्म खंड कर दिया। अब ये विचार करने की बात है कि समर्थ जो थे, अगर वो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी समर्थ होते तो ये राक्षस लोग इनके आड़े नहीं आ सकते थे। इस तरह के जो संसारी कर्मों के विरुद्ध जो कार्य भगवानों ने भी यहां करने पड़े तो ये समर्थ नहीं थे, ये भी काम चलाऊ सरकार थी। लेकिन इनको हमें अजर अमर सर्वशक्तिमान कुल के मालिक बताया जाता था, ये तीन भी बताते थे, फिर कहते थे कुल का मालिक तो एक है, वो एक कौन है, फिर वहां फिर आकर कहते थे विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, जो विष्णु जी में विशेष श्रद्धा रखता था, और जो श्री शिवजी में विशेष श्रद्धा रखता था वो कहता था शिवजी ही एक है कुल का मालिक। नहीं, उस कुल के मालिक का ज्ञान तो इस तत्व ज्ञान से ही होगा और हो रहा है। तो अब हम क्या कहते थे कि क्या भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जब आए थे राजा मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को आर्य से चिरवा के जीवित कर दिया था, इस आधार से इनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। दूसरा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, इसलिए ये भगवान थे। तीसरी महिमा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, इसलिए सर्वशक्तिमान थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, लंक समुद्र पाट लंका गयो,
सीता को भरता रे अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए इनम कौन करता रे। गोवर्धन गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोण गिरी हनुमंते और शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनम कौन भगवंते। कि जैसे आपके दंत कथा पौराणिक कथाओं में ये लिखा है, आप बोलते हो कि शेष नाग ने सभी ब्रह्मंडों को अपने सिर पर रखा हुआ है, उठा रखा है, और फिर तुम इस एक पत्थर को उठाने मात्र से, एक पहाड़ को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हो। तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था और शेष नाग फिर सारी पृथ्वी सृष्टि उठा रहा है जिस पर पृथ्वी भी रखी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से, इस आधार से तुम प्रभु मानते हो तो इनमें कौन सा भगवान होया, शेष नाग भगवान हुआ या श्री कृष्ण भगवान हुआ या हनुमान जी भगवान हुए? परमात्मा क्या बताते हैं, कि ये सब ज्ञान का उलझेड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम ज्ञान को समझ नहीं पाए। काटो बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो अकराम। कितनी प्यारा निर्णय ज्ञान दे दिया परमात्मा ने समर्थता और असमर्थता का, कि जब भगवान श्री राम को तुम विष्णु अवतार वो सर्वशक्तिमान मानते हो, जिस समय गरुड़ वो नाग फांस के अंदर श्रीलंका के अंदर युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी नाग फांस में आ गए थे, नागों ने शान को बांध लिया था, उस समय भगवान विवश हो चुके थे, दोनों हाथ नीचे को और बांध कर खड़े कर दिए गए थे, ऐसा है थे, तब गरुड़ से याचना की, गरुड़ ने आकर के उन नागों को काटा और वो जब भगवान बंधन मुक्त हुए। तो क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ा अकराम। ये तुम्हारा राम बड़ा है या गरुड़ शक्तिशाली हुआ? अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को आरे से चिरवा करके, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था और पुनः जीवित कर दिया था और उसका शरीर भी जोड़ दिया था, उसमें कोई निशान भी नहीं था। इतनी शक्ति ये भगवान रखते हैं, इसलिए इनको भी प्रभु की संज्ञा में लिया जाता है। लेकिन जैसे विचार कीजिए, प्रभु की परिभाषा से भी हम अभी तक परिचित नहीं थे, साब राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरला जाने, राम राम तो सभी कह रहे हैं लेकिन उस पूर्ण परमात्मा जो पहले का प्रभु है सर्वशक्तिमान है उसको कोई बिरला ही जानता है। अब जैसे साब कहो चाहे राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, मालिक कहो, स्वामी कहो, ये सब प्रभु के प्रभु की के शक्ति बोधक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। अब जैसे एक साहब तहसीलदार भी साहब कहलाता है और एसडीएम भी साहब है, डीसी भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब है, मंत्री को भी मंत्री साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इन साहबों की शक्ति मंत्र है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी साहब हैं, ये भी भगवान हैं, लेकिन इनसे ऊपर जो राम है इनके, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मिनिस्टर हैं, एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मिनिस्टर है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग का, विष्णु जी सतोगुण विभाग का, शिव जी तमोगुण विभाग के, और इनकी केवल तीन लोकों पर प्रभुता है, एक एक विभाग की, इस पृथ्वी लोक पर,
स्वर्गलोक पर और नीचे एक पाताल लोक है उस पाताल लोक पर। इस ब्रह्मांड में और भी बहुत से लोक हैं जहां पर इनकी प्रभुता नहीं है। और ये इनका पिताजी जो है ब्रह्म छर पुरुष ज्योति निरंजन, ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री जानो। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक पूर्ण परमात्मा है, वो भी राम है। तो इन भगवानों में भी शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक साब में शक्ति होती है, पावर है उसकी अपनी अपनी, उसका क्राइटेरिया होता है, उसकी भी अपनी जुरिडिक्शन सीमाएं विभाजित हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा की कोई सीमा नहीं, सबके ऊपर वो प्रभु होता है। ऐसे ही तो क्या बताते हैं कि ये भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने तामर ध्वज को जीवित कर दिया, क्योंकि उसकी प्राण शेष थे, वही आयु शेष थी, उसका जीवन शेष रह रहा था। और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को, जो महाभारत के प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा का पुत्र था। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसका प्रारब्ध इतना ही था, अभिमन्यु के आगे जीवन शेष नहीं था, आयु नहीं थी शेष, इसलिए श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी उनको आयु नहीं बढ़ा सके, जीवित नहीं कर सके। अब हम आपको पूर्ण परमात्मा के द्वारा उस तत्व ज्ञान, जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 32 में कहा कि उस परमात्मा के मुख्य वाणी में, उस परमात्मा पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस तत्व ज्ञान में उन्हें अपने मुख से जो बोला है उसके आधार से, और उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो आपको सुनाते हैं। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं वो काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा है कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूं। ये देखिएगा श्री मद भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 11 के बत्तीस में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 11 और इसके नीचे देखिएगा श्लोक नंबर 32। ये है श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है? काले अस्मि लोक्स, लोक अक्षकृत क्षयकृत प्रवर्त है लोकान समार हर तुम ई है प्रवर्त रगे अपि रते अपि तवाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता। क्या लिखा है कि लोकों का नाश करने वाला, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, काल अस्मि काल हूं, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवर्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेना में सतीथ योद्धा लोग हैं वो तो युद्ध ना करेगा तो भी नहीं रहेंगे, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। अब गीत ये अर्जुन कह रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या बताता है, ये देखिएगा। आंखों देखा हाल अर्जुन देख रहा है उस बड़े हुए काल को, ये देखिएगा 21 में, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते, महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो स्वाति स्वस्ति कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अब क्या बताता है अर्जुन के, हे परमात्मा ये सिद्ध देवता ऋषि महर्षि
ये देवताओं लोग भी को भी आप खा रहे हो, इन सिद्धों और महर्षियों को भी आप खा रहे हो, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब ये कहता अर्जुन मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं, मैं नहीं छोड़ू किसी को भी। तो कहने का भाव ये है ये काल है, और ये काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डारे सी से। कि वो काल जो है ये काल उस जगदीश से डरता है, पूर्ण परमात्मा से घबराता है, डरता है, और वो जय 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 जगदीश उसकी जय जयकार करता रहता पूर्ण परमात्मा की। और ये मृत्यु जो अकाल मृत्यु आ जाती है जिसको अचानक मार देता है, ये परमात्मा उस अपने सच्चे श्रद्धालु भक्त की नहीं होने देता, उस मृत्यु को नहीं आने देता, ये जीवन को एक्सटेंड कर देता है, ये लाइफ एक्सटेंड कर देता है परमात्मा, जीवन वृद्धि कर देता है, ये वो परमात्मा है। और कोई भगवान भी जीवन के श्वासों को घटा बढ़ा नहीं कर सकता। मासा घटे न तिल बध है विद न लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मेख मारे माने परमानेंटली खत्म कर देता है उस मृत्यु को, कर्म बुरे कर्मों के संस्कारों को समाप्त करके साचा सतगुरु पूर्ण परमात्मा का जो संत है उस प्रभु की शक्ति से ही उसका उसको नष्ट कर देता है और बुरे संस्कार समाप्त कर देता है। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, जो संस्कारवश प्रारब्ध में जो भी आपके लिखे गए हैं संस्कार, जो आपके कर्मानुसार हैं, वो अन्य परमात्माओं की पूजा से, अन्य देवताओं की पूजा से समाप्त नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और साचा सतगुरु मेटकर मिटा करके ऊपर मारे मेघ, अर्थात परमानेंटली उनको खत्म कर देता है, बुरे संस्कारों में को समाप्त करके शुभ संस्कार लिख देता है। शुभ संस्कार जैसे आपके बनवाए जा रहे हैं कर्मों से होते हैं, कि वो शुभ कर्म कर्मों से किए जाते हैं, शारीरिक क्रियाओं से होते हैं, ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, जवान से, श्वास से, हाथ से, सेवा से, स्मरण से, दान से, ये सब क्रियाओं से वो करा के फिर आपके शुभ कर्मों को लिख देता है, अशुभ को नष्ट कर देता है, ये पूर्ण परमात्मा में शक्ति है। और ये क्या कहता है,